हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, कल यानी 22 मार्च को रणवीर हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सरवारकर रिलीज हुई। और ये जो फिल्म है, ये एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और ये एक पेट्रियाटिक फिल्म भी है और एक बायोपिक भी है। तो ये फिल्म कैसी है, इस फिल्म का बजट कितना है और इस फिल्म ने फर्स्ट डे पर कितना कलेक्शन किया है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फ्रेंड्स, इस फिल्म की जो स्टोरी है ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। रणवीर हुड्डा ने इस फिल्म में नेक्स्ट लेवल एक्टिंग की है। उनकी इस फिल्म को लेकर ना बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। इस फिल्म में सब कुछ परफेक्ट है। फिल्म की कास्टिंग, एक्टर्स की एक्टिंग, डायलॉग, स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड फिल्म का जो टॉपिक सेलेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बात तो सही है। फ्रेंड्स, इस साल ना बहुत सारी ऐसी मूवीज रिलीज हुई हैं मिड बजट वाली, जिनका बजट भी कम था, पर उन्होंने बहुत जल्दी अपने कॉस्ट को कवर करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। तो ये जो फिल्म है स्वतंत्र वीर सरवारकर, ये उन्हीं फिल्म्स में से एक है। इस फिल्म का जो बजट है वो 20 करोड़ है एंड इस फिल्म ने फर्स्ट डे पर ही 1.15 crore का कलेक्शन किया है। और सेकेंड डे जो कि आज है, तो अभी तक 39 to 40 lakhs हो गया है और नाइट शोज में ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। फ्रेंड्स, फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी है, मस्ट वॉच मूवी है, आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। शायद एक चीज आपको अच्छी ना लगे कि इस फिल्म में गांधी जी को ना ऐसे रिप्रेजेंट किया है जैसे ही हैज नो मॉरल वैल्यूज, जैसे उनको लोगों की पड़ी ही नहीं है। पर फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 रेटिंग देती हूँ। और अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आप कमेंट में बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।